संघ मानवता मंदिर होशियारपुर तारीख 1/4/73 राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी सहाय। गुरमुख दासा करे घट में
तो तुम्हें मान लेता कि तुम उनका बीजन है, मैं तो जाता नहीं और ना बाबा स्वामी जी जाते हैं ना और बात में जाता ये तो सब ने हमको बेवकूफ बिरा के अपने जाल में फंसाने की कोशिश की कुछ नहीं लो तो अब उस प्रीतम को मिलने के लिए तुमको उसका कोई रूप बनाना पड़ेगा। उसकी कोई शक्ल बनानी पड़ेगी शुरू शुरू में। अगर मैं जो आपकी प्रीतम है आपकी प्रेमी है मगर वहां तक पहुंचने से पहले तुमको उसका कोई रूप बनाना पड़ेगा और रूप के साथ उनको प्रेम करना पड़ेगा और प्रतीक करनी पड़ेगी। इस वास्ते संतों ने भक्ति मार्ग को प्रेम और प्रतीक को मुख रखा है। ज्ञान मता मत धारे के भय की कम तुम बगैर रूप के अपने आप को अपने आप में चढ़ा नहीं सकते। इंसान जब प्रेम करेगा इंसान के साथ करेगा, भगवान के साथ नहीं करेगा। हम जिंस नहीं है। प्रेम इस वास्ते ऋषियों ने क्या किया, इंसान को आइडियल दिया। अगर विष्णु का रूप भी बनाया तो इंसान का बना के दिखाया, शिव जी का भी दिखाया तो इंसान का रूप बना के बताया ताकि इंसान को इंसान से प्रेम हो सके। तो अगर कोई शख्स उस प्रीतम के दर्शन करना चाहता है तो मुझे क्या करना चाहिए, एक जगह विश्वास रखो। एक अब सारे आदमी तो प्रीतम को प्रेम नहीं मान सकते, न सारे आदमी जात जा सकते हैं, न सारे आदमी अनंतपुर जा सकते हैं। ये तो भिन्न भिन्न प्रकृति है। एक आदमी उसका एक रूप बनाए, अब वो जो रूप तुम बनाओगे वो तुम्हें क्या करेगा, वो तुमको पक्ष देगा। इसलिए इसके अंदर इसके मन में ही इसको पक्षे जो मेरा कैसे प्रकट होता है तो वो तुम्हारे अंदर मदद होती है कि नहीं होती है। वो क्या है, वो है पर्चे ताकि इंसान को यकीन हो जाए। और कई को क्या है
वहां जाने निष्काम सेवा इसी वास्ते गुरु की थी। आज वह निष्काम सेवा दुनिया में ये जो शब्द निष्काम सेवा नहीं करता वो मंदिर का नहीं जाता, राज के लिए तो सभी करते, पत्नी के लिए सभी करते, निष्काम सेवा कोई नहीं करे। उसको का
अपना ही प्रेम था और अपनी ही प्रीत थी, तुम बैठे हो तुमने कितनी कितनी गर्म आकर कभी कही कहीं होगी नहीं कही हमेशा कहते और मैं जानता हूं तो मैं भी नहीं जाता वो कौन है तुम्हारा प्रेम तुम्हारी प्रति तुम्हारा यकीन तुम्हारा विश्वास मैं ये जानता हूं फिर चार जानी थे इस साफ बात कह रहे थे मुझे कोई पता नहीं देगा दुनिया वहां देती है जहां दुनिया को धोखे में रखकर उसके पैसे बुलाए जाते हैं हाँ मैं गया था मैंने तेरा ये काम कर दिया मैंने तेरा ये काम कर दिया इस चक्कर में आगे थे दुनिया का था सच्चाई को कौन कवर देता बताओ मगर मैंने कर दिया था अपनी जिंदगी में अपना अनुग्रह करो कुछ बात की प्रवाह नहीं है अगर कुछ को मंजूर होगा इन शायद में सच्चाई को फैलना है मंदिर को फैलना है तो कर जाएगा नहीं मंजूर कुछ को करना कहीं मुझे इसका कोई अफसोस नहीं मैं असत बात झूठ बात उखा करे करने से बिल्कुल बात मुझे कोई खुशी क्योंकि मैंने आपको मिसाल देगी नहीं करो तो आप लोग आए हैं मैं तो अपना कर्म भोगता मैंने जो कर्म किया था जो कुछ मेरा अन्न होगा मैं बता लूंगा तो प्रेम प्रति क्या चीज है कहां से पैदा होती है एहसान देखने से पैदा होती है मतलब उन्हें जहां किसी ने प्रेम करना होता है उन्हें उसको पर्चे देती है जिस तरह मैं प्रेम करता था मुझे पर्चा मिला उन्हीं जो पांच पैसा बड़ा था वो करके हुआ मैं उनके चरण में चला गया जिस तरह तुम अमरीका में कईयों की जगह मेरा भी परफेक्ट हो जाता है और मैं हैरान होता हूं मुझे कोई पता है जिससे साबित हुआ शुरू से पढ़ो क्या है तुमको मिलना है तुम्हारे अंते में मिलना है करना प्रेम करना आसान है मैं कह जा रहा हूं तुम मुझे लड्डू भी जाके दे सकते हो फूलों के हार भी चढ़ा सकते हो कपड़े भी दे सकते हो रगड़ा भी दे सकते हो मगर अंतर में प्रीतम का रूप बनाकर उसके दर्शन करना उस मूर्त को सजाना उसको रोटी खिलाना उसको कपड़े पहनाना ये मुश्किल काम है हिंदुओं में नौ 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 प्रकार की भक्ति है अंदर की भक्ति छूट गई वो बाहर में मूर्ति की पूजा करने जाते हैं या फिर बाबू वकील की पूजा करने जाते अभी यही प्रेम तुम्हारे अंदर में चला जाए तुम्हारा काम बन जाएगा तुमको सिद्धि शक्ति भी मिल जाएगी तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी तुम्हारा प्रमाण भी बन जाएगा प्रेम प्रीत जब मन में आवे सोचे सारे सारा ये अगली चीज क्या है और असर क्या है हाँ आवे प्रीत कहाँ चल जावे करे काम घटे उपजे घट से नहीं जावे समझे गुरमुख दासा संत संगत बिन गीत न आवे परजे बिन परसीती संत की संगत के बिना तुम अंतर में कर नहीं सकते अंतर की प्रीत जो है ये तो सत्संग से जब तुमको समझ आ जाएगी ज्ञान मिल जाएगा बात को समझ जाओगे तब तुम अपने अंदर में प्रीत कर सकते हो
बिना सत्संग के तो सारी जिंदगी बाहर ही रहोगे, या नगर को पूछते रहोगे, या हरिद्वार को पूछते रहोगे, या बाबे रसूल को पूछते रहोगे, या हनुमान जाते रहोगे, या चंद्रपुर नहीं जाते रहोगे। इस बात को कह दिया पर कवि को फिर सब जिससे अखबार की बात मैंने कहा, या अब वो जो शब्द है जिसने मुझे चिट्ठी लिखी है, अब वो उसका पर्चा मिल गया, उस लड़के के मुताबिक उनको वो जो पर्चा मिल गया, अब उनका विश्वास दृढ़ हो गया। वो मुझे लिखता है बाबा जी मेरे भाई का दुकान लिखा दिया, मेरे अंदर भी आ गए, इनको भी निकाल दो। तो वो ऐसे वाक्यात अब इंसान की साथ होते हैं, वो शुरू हासिल है इंसान की बुद्धि को निश्चय आतुक बनाने के लिए, ताकि उनका प्रेम बढ़ जाए, उनके अंदर प्रतीत अंतर न हो जाए। मगर अंतर में प्रीत करनी, मैंने कहा बाहर में प्रतीत करनी आसान है, अंतर में मूर्त बनाकर हाय भगवान की बनाओ, और ये मैं जहां समाई है उसको बनाकर उसको संवारना, अपने अंदर मूर्ति को बनाना, मत्स्य को सजाना, फूल चढ़ाने, ये सारी भक्ति है हिंदुओं में। ये मुश्किल काल है, बाहर में तो तुम सजा सकते हो। इस वास्ते कल बाहर की प्रैक्टिस की जाती है, वो शब्द बाहर में जिसने पहले प्रेम नहीं किया वो अंदर में प्रेम कर नहीं करता। इस वास्ते ऋषियों ने ये मूर्ति पूजा कारोबार जारी किया, या गुरु की भक्ति बाहर में सेवा पूजा फल फूल, इस वास्ते ताकि तुमको जब तुम अपने अंतर में चलोगे सत्संग से, तो वो पूजा तुम अपने अंदर में रोटी खाना खाते हो, खाते वक्त खाना सामने रखो, अपने देव को सामने बनाओ, अपने हजार देश को खाना खिलाओ, कपड़ा पहनते हो नया कपड़ा पहनते हो, कोई चीज लेके आते हो, अपने अंतर में अपने इष्ट का ध्यान बनाकर कपड़ा उसको पहनाओ, हार बनाते हो हार की मारा ख्याल से बना करके अपने इष्ट देव के गले में पहनाओ। ये पहला साधन है शुरू शुरू में, जो शख्स मतलब ये वो कहेगा जिसे पहले हो किया हुआ सार किया हुआ, जिसको बाहर में प्रेम करने की आदत नहीं, वास्ते में क्या करेगा, जो पर गौरा देगा करता है, वहां जो फूल होता है वो फूल बैठता है, फूल इसके नहीं बाहर उसका नहीं, ऐसे मूर्खों को कुछ नहीं मिल सकता। ये जज्बा है प्रेम का, प्रेम इश्क चाहता है, जो देता नहीं उसे मिलता कुछ नहीं, जिसने कुर्बानी नहीं की वो रहेगा क्या, मुझे बता तो सही। तुम हम से प्रेम करते हो, देखो कहने का जो थोड़े गहरे जाकर सुन लेते हो, अच्छे अच्छे कपड़े बनाते हो, उसको सिखाते हो, दुनिया की बात देखो जहां तुमको कुर्बानी करनी पड़ती, और हम से प्रेम करके अपना तन मन सब देती है, उसकी सेवा करती है, सुबह की शाम तक। तो जो शख्स इसमें कुर्बानी करने का माता नहीं है, उसको दुनिया में न कुछ मिला और न कुछ मिलेगा। मुख को कभी किसी मुक्ति मुक्ति रहती माता तो मा कहते थे, जो मुक्ति होता है वो मुक्ति रहता कभी नहीं बन सकता, हर चीज कुर्बानी कर माँ है, जब बच्चे के लिए कितनी कष्ट रहती, पेशाब की जगह में सोची है उसको खुश दिला में रखती है, मुसीबत किसी तभी तो बीमार हो जाता है किसी मुसीबत बर्दाश्त करती है। तो ये माता है कुर्बानी का, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनको हर जगह कुर्बानी है, कोई जगह भी नहीं जहां कुर्बानी नहीं है, सबको कुर्बानी करनी पड़ती, गुरु को भी शिष्य के साथ कुर्बानी करनी पड़ती, शिष्य को भी गुरु के साथ कुर्बानी करनी पड़ती,
माँ को भी बच्चे के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, बच्चे को भी माँ के लिए कुर्बानी पड़ती है। ये संसार है ही ऐसा, इसमें बुराए तक के बुराए कुर्बानी तो किसी कुछ नहीं मिला। प्रेम प्रीत बरते दरबार समझियो रे मेरे बाना। प्रेम प्रीत क्या हो जाएगा? एक तुमको प्रेम मिलेगा पति में, तुम्हारा ये जीवन आनंदमय होगी जो बदल जाएगा। और फिर अंत में अगर तुमको सत्संग मिला हुआ, तुम ज्ञान मिला हुआ, तुमको निर्वाण मिल गए। जब तुमको ज्ञान हो जाएगा कि मैं जिसको पूछता था कि मेरा अपना ही ज्ञान था, दूसरा कोई नहीं था, जब ये ज्ञान फिर हो गया उसको निर्वाण मिल गया। इस ज्ञान के फिर करने का नाम है, मगर ये जल्दी से होता है। व्यक्तियों का धर्म होना ही नहीं चाहिए, उनको दुनिया की आशाए हैं। निर्माण को वो ब्रह्म कर सकता है जिसको संसार से बड़ा है, दूसरे को आशा नहीं कर सकता। आगे मैं जब वर्जीनिया गया
वहां उस आयोग की चिट्ठी है, उन्हें कहीं मेरा नाम सुना हुआ होगा, मेरी फोटो दिखती होगी, चिट्ठी है क्या, मैं गरीब हूँ, बिल हूँ, मेरे पास किराया नहीं है कि मैं न्यूयॉर्क से वर्जीनिया पहुंचू, अगर आप गया करें तो मुझे मिल जाए। मैं गया न्यूयॉर्क से 100 मील पहले एक जगह थी, वहां एक दोस्त के यहाँ खैर है दोस्त है, तो मैंने उसको बोला मैं उतारो को मिलना है, उसकी कार की मैं कार पर 100 मील आया, तो वो उसको वक्त दिया हुआ था कि इतने बजे मैं चलूंगा, इतने बजे पहुंचूंगा, तो वो अपने दरवाजे के पास और हाथ फूलो पर लेकर के बाद वहां खड़ी थी। मैं गया उसके कमरे में बैठ गया, क्योंकि उसके दिल में प्रेम था, मेरे दिल में हमदर्दी थी और प्रेम था, वो तो हमदर्दी और प्रेम का संस्कार उसके दिमाग पर बैठा हुआ था, वो संस्कार फकीर चंद को उसके सामने प्रकट करके उसको देखता, मैं देखो तुम दिल्ली वालों वाले तुम मुझे देख, मैं सत्यवादी पुरुष, मैंने दुनिया को अपने पीछे अलग टीके से लगाना चाहता हूं और न मुझे इच्छा, गुरु मैं गुरु हूं, गुरु नाम है भगवान का शब्द, गुरु हूं सच्चा ज्ञान दिए जाता हूं, असली राज है जो कुछ है ये सब तुम्हारे अपने विश्वास और श्रद्धा का काम है, जितना विश्वास जितना श्रद्धा तुम करोगे उतना ही तुमको कर देगा, तुम्हारी अपनी करनी अपनी धनी, जैसा प्राण जैसा है जैसी मति वैसी गति, आगे पढ़ते के मगर में अपने अंदर में खुद पैदा किया तब तुमको प्रीतम नजर आया, प्रीतम कौन है, सच बात की जो दुनिया सुनने के लिए तैयार है, तेरा अपना आया की तेरा प्रीतम, तेरा अपना आता ही तेरा अपना प्रीतम है, तू खुद प्रेमी है तेरा अपना ही आपका प्रीतम है, इतना शेर है ये सब तुम्हारे अपने आप का है, मगर इस पर हर एक आदमी पहुंच नहीं सकता, श्रेणियां है, 5 वर्ष के लड़के को इतनी बुद्धि नहीं होती, उसको वक्त लगता है बड़े होने के लिए, इस वास्ते सच्चाई नहीं है, मगर वहां तक पहुंचने के लिए क्या तरीका है, पहले बाहर का प्रेम किसी जगह एक देश का बना लो, माता को देश का बना लो, पिता को देश का बना लो, और पति को देश का बना लो, गुरु को, जितनी निष्ठा तुम्हारी जहां होगी जितना तुम गुण डालोगे उतना शरबत निकला है, तुम्हारा अपना ही प्रेम है अपनी प्रीत है अपना ही सेवा करो, नानक बिन आपा जी ने लगे बिना प्रगट होगा, स्वामी जी का ये आप आपको आप बता दो, मगर ये मालूम कर सकते आज चरण कमल कौन से जो करते थे, वो चरण कमल कौन से केवल वो चरण कमल है गुरु के तुम्हारे अंतर में प्रकाश साबित थी, गायत्री रिश्ता की कोई बोली बात बहुत तीन किस्म का गाना, तीन किस्म का गाना, घाट मैंने गाना सीख मैंने तीन किस्म का गाना, तीन किस्म का गाना क्या है, सूर्य प्रकृति सूक्ष्म प्रकृति कारु प्रकृति की हरकत जब होती है हमारे अंदर में तो आवाज होती है, की हरकत से देखो मतलब में आज ही करती घंटा सब बजाते फिर ओम ओम की ध्वनि जाते हैं, कुछ लोग बाबू बाबू कहते हैं, कोई बम बम कहता है, ये तीन किस्म के गाने हैं अंतर में, जब ये गाए जाते हैं फिर सावित्री प्रकट होती प्रकाश प्रकट होता,
तो इन गानों से पहले जब तक तुम्हारा अपने इष्ट के साथ प्रेम नहीं है तुम इनको गा नहीं सकते। तुम इनको गा नहीं सकते। ये प्रेम क्यों नहीं पैदा होता? क्योंकि हमारे मन के अंदर खुद भर्तियां मतलब भर्तियां इसलिए भैया जी का संतर हर शब्द को देने का दस्तूर नहीं है। मैं नहीं देने के बाद इंसान बन की आवाज है। पहले इंसान बन तुम में मूर्ख होना चाहिए। फेरा फेरी चार सौ बीस पखंड का चार धोखा फ्रे जब तक ये तुम्हारा नहीं छूटता साधन करने वाला नुकसान होता जाता है। जितने आदमी के अंदर का शोर करते हैं आजकल तो गुरुओं ने सिर्फ अपनी गलियों को अपने चेलों को बढ़ाने के लिए जो दिया है उसको नाम दे दिया। नाम का होता वो है होता है लेकिन इंसान बनता है। जिसके अंदर द्वेष नहीं है क्रोध नहीं है चार सौ बीस नहीं है हेरा फेरी नहीं है उसके लिए ये गजत्री का मंत्र है सबके लिए नहीं। इस वास्ते सबसे पहले इस बात की रूप से इंसान अपना इखलास ठीक करे नेक बने अपने धर्मों अपने ड्यूटियों को पूरा करे तुम्हारे जो फर्ज है उनको पूरा करो और फिर जब ये वक्त आ जाएगा तब तुम आगे जाओ। आगे कही है तो मैंने आज बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया हमें करना आपका काम है। अगर मन गंदा है तो ये कोशिश करो कि हमारा मन साफ हो जाए। इसके लिए सत्संग है लॉ ऑफ रेडिएशन है आरोग्य का चैतो के स्वागत पैदा पानी के पास बैठोगे ठंडे पाए साधु के पास बैठोगे साधना का स्वीकार मिलेगा संत के पास बैठोगे शांति मिलेगी। तो आप मैंने बहुत कुछ आप लोगों को कह दिया Yeah.